दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सीतरी साइकिल। जैसे आप जानते ही हैं सीतरी साइकिल क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इसे हम समझते हैं बहुत ही इजी मेथड से और डिटेल ले जाएंगे, लेकिन हर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज तो सीतरी साइकिल का मतलब जान जाते हैं। तो सीतरी साइकिल को सीतरी साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सबसे पहला कंपाउंड बनता है वो तीन कार्बन वाला होता है, इसलिए हम इसे सीतरी साइकिल के नाम से जानते हैं। और इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे इसे हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं, केल्विन साइकिल। अब बाबा इसको केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट है केल्विन नाम के, उन्होंने इस साइकिल की खोज की थी, इसलिए हम इसे केल्विन साइकिल के नाम से भी बुलाते हैं। और चीज इसे हम डार्क रिएक्शन भी क्यों कहते हैं, डार्क रिएक्शन। क्यों डार्क रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये जो साइकिल है ये अंधकार की सनलाइट की अब्सेंस में चलती है, यानी अंधेरे में चलती है, इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। इसे हम ब्लैक मैन रिएक्शन भी बोलते हैं, ब्लैक मैन रिएक्शन। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें जानने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिस्कस करना है। जब प्लांट की लीव्स होती है उनके स्टोमक में चलता है, कहां पे, प्लांट की लीव के स्टोमक में। एक ग्लूकोज के सीतरी साइकिल में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए ये साइकिल 6 बार चलती है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 54 एडीपी की आवश्यकता होती है। CO2 ग्राही वो हमारा होता है RUBP, मुख्य एंजाइम वो होता है हमारा रूबिस्को। मेन एग्जांपल कौन कौन से हैं इस प्लांट के, इसके मेन एग्जांपल में आते हैं जैसे आपका वीट हो गया, आपका राइस हो गया, ये इसके मेन एग्जांपल्स हैं। वीट, राइस, ये मोनोकॉट्स प्लांट है। मोनोकॉट्स मतलब जिनके लीफ में पैरेलल वेनेशन हो, रूबिस्को। इसके प्रेजेंस में अगर ये 6 मॉलिक्यूल है इसका भी 6 मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, अब ये रूबिस्को जो है इन दोनों के प्रेजेंस में सबसे पहला कंपाउंड बनाएगा जिसे हम बोलेंगे PGA 3PGA, ग्लिसरॉल लिहाइड 3 फॉस्फेट,
इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद तीसरे लिहाइट चीफ हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही तीसरे लिहाइट चीफ हॉस्पिटल मदद करेगा क्या बनाने में, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में मदद करेगा, ग्लूकोज बनाने में उसके बाद जाके हमारा बनता है ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज बन गया। अब यही जो ग्लिसरेडिहाइड थ्री फॉस्फेट है ये थोड़ी देर बाद वापस फॉर्म करेगा, वापस साइकिल चलाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें थर्टी सिक्स, तो 18 में 36 ऐड कर दीजिए 54,